हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, आज आप यहाँ पे आने का मेरा मेन मोटिव अपने सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के जो मेरे बच्चे हैं उनको इस बात को लेकर सावधान करना है कि ये जो एक महीने का टाइम आपका एग्ज़ाम में एक्सटेंड हो गया है, इससे आप किसी भी हालात में अपने प्रिपरेशन को ढीला ना करें या फिर आपके माइंड के अंदर में रिलैक्स होने का किसी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट ना आ जाए। बच्चे, बस यही चाहता हूँ। देखो, आपने जिस तरीके से अभी तक आपने स्टडी की है, जो टारगेट आपने फिक्स किया था अपना कोर्सेज को ख़त्म करने का, आप उसी पैटर्न पे काम कीजिए। आपको मैक्सिमम टाइम, जो बचा हुआ टाइम है, उसको आपको रिविजन के लिए यूज करना है। मेरे बच्चे, रिविजन में आप आगे बढ़ाएं, अपने टारगेट को किसी तरीके से आगे शिफ्ट ना करें। जो बच्चे लेट में क्लासेज स्टार्ट किए हैं मुझसे या सेल्फ स्टडी या कहीं से भी, उनको अपना कोशिश करना है कि एग्ज़ाम का जो डेट अब नया अनाउंस हुआ है उसके एटलीस्ट किसी भी हालात में 15 डेज पहले तक कोर्स ख़त्म कर लेना है, और बाकी का टाइम जो होगा मेरे बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रिविजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप बिलीव कीजिए, अभी हमारे देश में कोरोना का भी पता नहीं कब कैसा विस्फोट आ जाए, क्या सिचुएशन हो जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए आपको उस टाइम का जो प्रेशर माइंड पे जो बनता है, निगेटिविटी जो बनता है, उसको नहीं आने देना मेरे बच्चे। उसका हमें वेट भी नहीं करना, हमें जल्दी से कोर्स ख़त्म कर लेना है और रिविज़न पर आना है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे फाउंडेशन के बच्चे, मेरे इंटर के बच्चे, चाहे पेड हो, चाहे मेरे चैनल पर हो, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, उन सब के लिए हर एक चैप्टर का मैं आपका रिवीजन लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। बच्चे, आपका मैराथन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैराथन फाउंडेशन का भी होगा, इंटर ग्रुप वन का भी होगा, ग्रुप टू का भी होगा, जिसमें हर एक चैप्टर में जितने भी थ्योरी बन सकते हैं, जो भी आपने अपने स्टडी किया उसका प्रॉपर निचोड़, मतलब जो शॉर्ट रिवीजन आपका फटाफट एग्जाम के टाइम के पहले, एक घंटा पहले क्या रिवीजन करना है, एग्जाम से एक दिन पहले कैसे रिवीजन करना है, एग्जाम से एक महीना पहले कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। बिलीव कीजिए, वो कंप्लीट एक रिवीजन लेक्चर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैराथन के रूप में, जिसमें कहीं पर भी कोई चांस नहीं छोड़ूंगा कि कोई पॉइंट छूटेगा फटाफट रिवीजन करने के लिए। लेकिन उसके लिए मेरे बच्चे, आपको बहुत अच्छी तरीके से कोर्सेज को पहले से ख़त्म करना पड़ेगा। जितने टेस्ट हमारे सीओसी एजुकेशन के तरफ से आपसे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उन टेस्ट को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेरे फाउंडेशन के बच्चे जानते हैं कि मैंने आपके साथ एक आपका हर एक चैप्टर का टेस्ट आपसे किया जा रहा है, आपको उस टेस्ट को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना है। कितने मार्क्स आएंगे वो भी हम आपसे शेयर करते हैं कॉपी चेक करके। तो बहुत मस्त तरीके से मैं और आप मिलके आपकी तैयारी करते हैं, और इस बार टारगेट है कि हमें पास होना ही होना है। और ऐसे भी मुझे पता है कि आप सीरियस बच्चे, आप पास होंगे ही होंगे, तो बस लग जाओ मेरे बच्चे, लग जाओ। आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरे बच्चों से आगे निकलने का बहुत अच्छा मौका है। आप बिलीव कीजिए, कई सारे बच्चे अब रिलैक्स मोड में चले गए होंगे, वो आपको नहीं एक्सेप्ट करना, आपको नहीं करना, आपको पढ़ते चले जाना है। तो आगे बढ़िए, मेरा रिवीजन लेक्चर्स मोस्ट प्रोबेबली मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है और अगले महीने से आने शुरू हो जाएंगे। तो वो सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं, वो आपको फटाफट क्या करना है कि अपना तैयार रखे उस रिवीजन लेक्चर्स को पढ़ने के लिए। जितने भी एमसीक्यू, जितने भी आपके ट्रू फॉल्स, जो भी आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, सबको कवर कर रहा हूँ। बच्चे, आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हैप्पी स्टडी, पढ़ाई करें आप। Hey there, this is Govind Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Thanks to COC, my concepts are pretty clear. My doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू टीम सर।